नमस्कार, मैं श्वेता आपका वीवी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुख करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। रीवा के अजब चोर की गजब करतूत, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे। रीवा के तीन बकरी चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। चोरहटा पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक पेड़ पे चढ़ा हुआ है, जो कि चोरी करने गांव में घुसा था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, पेड़ पे चढ़े युवक को नीचे उतारा। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए पुलिस को बताया कि ये कल रात गांव में बकरी चोरी करने के लिए आए हुए थे और तीन बकरियों को चुरा कर अपने घर ले गए हैं। इसके बाद पुलिस तुरंत युवक को गिरफ्तार कर थाने ले आई, जहां उनसे पूछताछ में सब कुछ खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने दो अन्य युवकों को भी गिरफ्तार किया है, जो उस वक्त घटना में शामिल थे। दरअसल मामला चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत अम्मा गांव का है, जहां पर चोरी करने के मकसद से गए कल देर रात तीन युवकों ने गांव से तीन बकरियां चुरा ली। लेकिन उसमें से एक युवक अपना चप्पल वहीं पर भूल गया, जिसे लेने के लिए युवक फिर वहां गया जहां से बकरी चोरी की थी। जैसे युवक चप्पल पहना कि फरियादी ने उसे देख लिया और जब उसे पकड़ना चाहा तो युवक अपनी जान बचाकर पेड़ का सहारा लेते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने पूरी घटना की सूचना दी, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को पेड़ से नीचे उतार हिरासत में लेकर थाने पहुंची। पुलिस की पूछताछ में चोर ने बताया कि वह अपने दो अन्य साथियों के साथ अम्बा गांव में चोरी करने के लिए गया था, जहां पर उसने तीन बकरियां चुराई। उसका चप्पल बदल जाने के चलते वह आज सुबह अपनी चप्पल लेने गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ना चाहा तो वह अपनी जान बचाकर पेड़ पे चढ़ गया। पुलिस की पूछताछ के बाद पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी हुई तीन बकरियों को बरामद कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। सभी चोरी का आरोपी कल एक पेड़ में चढ़ गया था, क्या मामला? अभी हमको क्या रात्रि में सूचना आई थी कि कुछ बकरी चोर जो है घर में घुसकर बकरी चुरा रहे हैं। इस संबंध में तत्काल पुलिस पार्टी भेजी गई, जहां पर एक व्यक्ति को वहां पर रंगे हाथ पकड़ा गया था और उसको पकड़ने के उपरांत फिर हमको एक और जानकारी मिली कि कोई एक व्यक्ति पेड़ में चढ़ा हुआ है उसका साथी। हमने फिर दोनों को अरेस्ट किया उसमें और फिर उसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो उनका एक और तीसरा साथी है रफ़ीउल्ला, उसको भी हमने पकड़ा है। ये सभी सिटी कोतवाली के हैं और इनके ऊपर मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और तीनों लोग अभी आरोपी को जेल भेज दिया गया। तो ये बकरी चोर गैंग में कौन कौन आरोपी हैं? तीनों जो मैंने आपके नाम बताए, रफ़ीउल्ला और मोहम्मद और मुबीन और गोविंद, ये तीनों बकरी चुराने गए थे, जहाँ पर तीन बकरियाँ इन्होंने चुरा ली थी और हमने बरामद भी कर ली है, पहचान कार्रवाई भी करा ली है। वो उसी यादव की निकली हैं जिसकी ये बकरी चुराए थे और उसमें एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। वापस कैसे पहुंचे? चोरी कर चुका था तो वापस कैसे वहाँ पहुँच गया? उनकी भागदौड़ में कुछ उनकी एक आध चप्पल छूट गई थी, तो चूंकि पुलिस उस बेस पे भी उनको पकड़ लेती, इसलिए डर के कारण वो अपनी चप्पल भी उठाने के लिए आया था, उसी समय पुलिस ने उसको रेड कार्रवाई कर पकड़ा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीवी न्यूज़।